Hello students, I am Nidhi Bhatt your science teacher. Today we will continue chapter number fifteen, our environment. In previous video we had discussed about food chain and food webs. Food chain is a series of organisms in which organisms eat each other as a food, and these food chain interconnected with each other and forms food web. Then we discuss some important fact about food chain.

Ecological pyramids are graphical representation of energy, biomasses, and number of individual at each trophic level. Okay? we have that energy pyramid always be upright, and biomass pyramid and number pyramid can be upright or inverted. Then we discuss about biological magnification. Biological magnification means एक्यूमलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल एट ईच ट्रॉफिक लेवल जो हार्मुल केमिकल्स होते हैं वो फूड चेन में एंटर कर जाते हैं और क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं इसलिए ये हर ट्रॉफिक लेवल पर एक्यूमलेट होते जाते हैं और जो टॉप मोस्ट ट्रॉफिक लेवल होता है उसमें ये हाइएस्ट अमाउंट में एक्यूमेलेट हो जाते हैं दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था टूडे विल डिस्कस पार्ट नंबर थर्ड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि इकोसिस्टम का हर कंपोनेंट एक दूसरे को इफेक्ट करता है ठीक है तो जैसे एबायोटिक कंपोनेंट हमको इफेक्ट करते हैं ऐसे ही हम ह्यूमन बीइंग भी अपनी एक्टिविटीज के थ्रू जो एनवायरमेंट है उसको कुछ ना कुछ इफेक्ट करते हैं ठीक है स्टूडेंट्स तो देखेंगे चेंज इन द एनवायरमेंट इफेक्ट और

ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण होती है देखेंगे डायग्राम में दिखा रखा है जैसे जो लार्ज फैक्ट्रीज हैं उनसे जो भी गैसेस निकलती हैं सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड ये सभी एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रही हैं व्हीकल्स जो हैं उनसे भी जो हार्मफुल जो भी गैसेस निकल रही हैं वो भी एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रही हैं डिफॉरेस्ट्रेशन हमने जो ट्रीज को बहुत ज़्यादा कट कर दिया उसके कारण भी एनवायरमेंट इफेक्टेड हो रहा है तो इन सभी चीज़ों के कारण हमारे एनवायरमेंट पे कुछ डिग्रेडेशन हो रहा है ठीक है एंड इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस टू इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल इश्यूज दैट आर ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड गार्बेज डिस्पोजल हम इन दो इश्यू के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे ओके स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट सबसे पहले जानते हैं वॉट इज ओजोन लेयर ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ विच प्रोटेक्ट आर फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन ऑफ द सनलाइट सनलाइट से आने वाली जो पावरफुल हार्मफुल यूवी रेडिएशंस हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं उनको वहीं प्रिवेंट करके अर्थ पे आने से ओजोन रोक देती है और हमें उन लेयर से प्रोटेक्ट करती है ठीक है तो देखेंगे स्टूडेंट ओजोन लेयर इज़ अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड अर्थ हार्मफुल यू वी रेडिएशन से अल्ट्रा वायल्ट रेडिएशन उसको वो क्या करती है ऑफ दाइट जो कि सनलाइट में प्रेजेंट है ठीक है और हमें उस हार्मुल रेडिएशन से होने वाले effects हैं उनसे हमको प्रोटेक्ट करती है ठीक है तो देखेंगे स्टूडेंट हमारा जो एनवायरमेंट है उसके डिफरेंट लेयर है ट्रोफोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर मीजोस्फियर थर्मोस्फियर एक्सोस्फियर ठीक है तो स्ट्रेट्रोस्फियर के अंदर ही ओजोन की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है और उस जो रीज़न को हम ओजोन लेयर कहते हैं ठीक है और इसमें क्या होता है ओजोन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें ये कैपेसिटी होती है कि वो सनलाइट की यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उन हार्मफुल रेडिएशन से होने वाले जो इफ़ेक्ट हैं स्किन कैंसर कैटरेक्ट एट एटसेट्रा उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है तो देखेंगे स्टूडेंट प्रोटेक्टिंग लिविंग बींग फ्रॉम मैनी हेल्थ हाजर्ड सच एज स्किन कैंसर कैटरेक्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स एटसेट्रा इन सभी से क्या करती है ये हमें बचाती है और ये एटमोसफियर में जो सेकेंड लेयर है ट्रोफोस्फियर के ऊपर ट्रोफोस्फियर वो लेयर है जो हमको जनरली जिसमें हमें जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड या क्लाइमेट से रिलेटेड जो चेंजेस दिखाई देते हैं क्लाउड फॉर्मेशन एटसेट्रा उसके ऊपर होती है स्ट्रेटोसफियर वहां पर ही ओजोन की लेयर प्रेजेंट होती है ठीक है इट इज अबाउट फिफ्टीन टू थर्टी फाइव किलोमीटर अबव द अर्थ सर्फेस अर्थ सर्फेस से ये लगभग फिफ्टीन टू थर्टी फाइव किलोमीटर अब तक फैली हुई है ठीक है ओजोन जिसका मॉलिक्यूल ओ थ्री है लेयर इज प्रजेंट एट हायर लेवल्स ऑफ एटमोसफियर मीन्स स्ट्रेटोसफियर और कितने किलोमीटर पर होती है अप्रॉक्सीमेट फिफ्टीन टू थर्टी फाइव किलोमीटर पर ये प्रेजेंट होती है ठीक है अब इसमें एक बेनिफिट भी है तो इसका एक माइनस पॉइंट भी है इट इज डेडली पॉइजनस एट ग्राउंड लेवल अगर ये ग्राउंड लेवल पे आ जाए तो ये बहुत पॉइजनस गैस है लेकिन अपर लेयर में ये हमारे लिए क्या कर रही है यूवी रेडिएशन को प्रोटेक्ट कर रही है और हमें स्किन कैंसर या कैटरेक्ट इन डिजीज से प्रोटेक्ट कर रही है ठीक है इट इज डेडली पॉइजन एट ग्राउंड लेवल ग्राउंड लेवल पे क्या है ये पॉइजन है ठीक है तो ओ थ्री का जो मॉलिक्यूल है वो पॉइजनस है तो ग्राउंड लेवल पे ये नहीं प्रेजेंट होता है लेकिन अपर लेयर में ये प्रेजेंट होता है तो हम इसको इनहेल नहीं करते हैं बट ये जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन है उनसे हमको प्रोटेक्ट करता है उन रेडिएशन को वहीं एब्जॉर्ब कर लेता है ठीक है स्टूडेंट अब इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ अपर लेयर में तो स्टूडेंट्स अपर में जो सन की जो पावरफुल एनर्जी रेडिएशंस आ रही है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ब्रेकअप कर देती है ओ टू को ब्रेक कर देती है उसके एटम्स में ठीक है तो देखेंगे द हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन ब्रेक डाउन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन टू फ्री ऑक्सीजन एटम्स ठीक है तो ये सन की रेड्स आ रही है जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन के एटम में ब्रेक कर रही है ठीक है तो ऑक्सीजन के अलग अलग एटम बन गए अब ये ऑक्सीजन के एटम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से फ्यूज हो करके क्या बनाएंगे ओ प्लस ओ टू ओ थ्री और क्या बन जाएगा ओजोन ठीक है तो इस तरह से ओजोन का फॉर्मेशन होता है दीज ऑक्सीजन एटम्स देन कंबाइन विद ओ टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म ओजोन मॉलिक्यूल ठीक है तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जब इस फ्री ऑक्सीजन एटम से एड होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है O3. ये है ओजोन का मीन ऑक्सीजन के एटम है यानी वी कैन से इट इज ट्राई मॉलिक्यूल ठीक है थ्री एटम्स है ऑक्सीजन के ठीक है ना तो ये फॉर्मेशन अपर लेयर पे ही हो सकता है क्योंकि यूवी रेडिएशन हमने देखा उनके कारण ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है और फिर ओजोन का फॉर्मेशन कर रहा है तो इस तरह से ओजोन का फॉर्मेशन होता है हमारा जो इश्यू है वो क्या है ओजोन लेयर डिप्लीशन अब ओजोन के लेयर में डिप्लीशन कैसे हुआ तो देखेंगे स्टूडेंट डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के ऊपर जो ओजोन लेयर की थिकनेस है वो धीरे धीरे साइंटिस्ट ने एक डिस्कवरी की कि वो थिकनेस धीरे 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 कम होती जा रही है और वहां से हार्मफुल यूवी रेडिएशन अर्थ पे पहुंच रही है ठीक है उसी को क्या कहा गया ओजोन होल ओके और वी कैन से ओजोन लेयर डिप्लीशन तो देखेंगे स्टूडेंट दैट डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर ओवर अंटार्कटिका वाज फर्स्ट ऑब्जर्वड इन 1985 एंड वाज टर्मड एज ओजोन होल ठीक है तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि लेयर के अंदर बीच में कोई होल हो गया है मींस अंटार्कटिका के ऊपर ऐसा ऑब्जर्व किया गया 1985 में कि वहां पे जो थिकनेस है ओजोन लेयर की वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई है और उसको क्या नाम दिया गया ओजोन होल अब ऐसा क्यों हुआ इसको हम जोड़ के देख सकते हैं जो हार्मफुल केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं स्पेशली क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये जो हार्मफुल केमिकल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरीन और क्लोरीन के कंपाउंड्स। उनसे ये बनता है और ये रेफ्रिजरेटर ए सी में यूज़ किया जाता है उसकी एक्सेसिव यूज़ के कारण जब वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस एनवायरमेंट में ऊपर टॉप हाइट पे जाती है वो ओजोन मॉलिक्यूल को क्या करती है ब्रेक कर देती है और ओजोन लेयर की थिकनेस उसके कारण धीरे धीरे क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है तो देखेंगे स्टूडेंट दिस डिक्रीज वाज लिंक्ड टू एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल कुछ सिंथेटिक केमिकल हैं लाइक क्लोरोफ्लोरो कार्बन ठीक है like ये क्लोरीन फ्लोरिन और कार्बन के कंपाउंड होते हैं विच आर यूज इन रेफ्रिजरेटर्स ए सी फायर एस्टिंग्विशर, एयरोसोल स्प्रे एक्ट्रा इनके अंदर इनको यूज़ किया जाता है और ये कंपाउंड जब एटमोसफियर की टॉप लेवल में या अपर हाइट तक पहुंच जाती हैं ओजोन लेयर तक तो वहाँ जाके ये ओजोन के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देती हैं और इस तरह से उसकी थिकनेस कम हो गई और उसके कारण जो यूवी रेडिएशन है वो कहाँ आने लग गई अर्थ पर आने लग जाती हैं ठीक है थीके? इसी को हमने क्या कहा ओजोन लेयर डिप्लीशन मीन्स अगर ओजोन लेयर डिप्लीशन को हमें स्टॉप करना है रोकना है तो हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन मीन्स मेनली इसका यूज हमें कम करना होगा ठीक है तो ये जो है बहुत बड़ा इश्यू बन गया है पूरे वर्ल्ड के लिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है ये कि हार्मफुल रेडिएशन अगर धीरे धीरे अर्थ पे आएंगी तो ये प्लांट्स में भी डिस्ट्रक्शन करेंगी मैराइन इकोसिस्टम को भी डिस्टर्ब करेंगी और कई सारी हार्मफुल जो डिजीज हैं जो स्किन कैंसर एट्सट्रा वो ह्यूमन बींग को हो जाएंगी ठीक है तो इसलिए जो इंटरनेशनल लेवल पे इसके बारे में सबमिट की गई इसके बारे में डिस्कस किया गया कंट्रीज़ के बीच में कि कैसे कंट्रीज़ मिलकर के क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रोडक्शन को स्टॉप करें ठीक है तो देखेंगे यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी ठीक है एंड एग्रीमेंट टू स्टॉप प्रोडक्शन एट नाइनटीन एटी सिक्स लेवल जिसको हम क्योटो प्रोटोकॉल भी कहते हैं उसमें ये डिसाइड किया गया कि जो कंट्रीज हैं सभी कंट्रीज मिलकर अपने जो कंट्री के अंदर जो भी फैक्ट्रीज हैं उसमें क्लोरो फ्लोरो का प्रोडक्शन स्टॉप करेंगी ठीक है तो उस पर एक सभी का एक एग्रीमेंट तैयार किया गया जिसे हम क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं और हर कंट्री के लिए अभी मैंनेडेट्री है कि उसकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो विदाउट क्लोरोफोलोरोबन को यूज़ किए रेफ्रिजरेटर को मेड करेंगे मैन्युफैक्चर करेंगे ओके okay, स्टूडेंट और इसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड ओजोन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है सिक्सटीन सेप्टेंबर को ठीक है क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ओजोन लेयर को हम प्रोटेक्ट करें तभी वो हमें हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर पाएगी ठीक है तो ये हमने जो फर्स्ट इशू था ओजोन लेयर डिप्रेशन उसको हमने डिस्कस किया ठीक है नेक्स्ट जो इश्यू है एनवायरमेंट में दैट इज गार्बेज डिस्पोजल ठीक है हमारी जो न्यू लाइफ स्टाइल है जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है उसके कारण हमने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में प्लास्टिक पॉलीथिन और कई सारी ऐसी चीज़ों को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है जो कि डिकम्पोज नहीं होती एनवायरमेंट में और वो धीरे 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 इकट्ठी होती जा रही है एक्यूमलेट होती जा रही है और एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट कर रही हैं तो देखेंगे स्टूडेंट इंप्रूवमेंट्स इन लाइफ स्टाइल रिजल्टेड इन एक्यूमिलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल, लार्ज अमाउंट में वेस्ट मटेरियल अर्थ पे इकट्ठा होता जा रहा है जैसे पिक्चर में दिखाया है ना अर्थ के ऊपर कितना ज्यादा गार्बेज है ठीक है तो ये आपने देखा होगा जब भी आप जाते हैं कहीं रोड पे तो कितना ज्यादा गार्बेज वहां पे इकट्ठा रहता है क्योंकि जो पॉलीथिन है जो प्लास्टिक है वो हम रीयूजेबल uh, भी नहीं होता है कई बार और उसको हम डिकम्पोज भी नहीं कर सकते तो हम उसको इधर उधर यूज करके फेंक देते हैं और जब हम जाते हैं तो वो रोड पे हमें ऐसे ही स्प्रेड मिलता है ठीक है तो ये एक बहुत बड़ा इशू है ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कैसे हम इससे बच सकते हैं देखेंगे स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मटीरियल इन गारबेज गारबेज में किस किस तरह के मटीरियल हो सकते हैं तो दे आर टू टाइप्स ऑफ मटीरियल इन गार्बेज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल मीनस द सब्सटेंसिसन बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया है वो जो ऑर्गेनिक वेस्ट होती है उसको डिकम्पोज करके एनवायरमेंट में मिला सकते हैं और ऐसे वेस्ट को हम क्या कहते हैं बायोडिग्रेडेबल तो देखेंगे स्टूडेंट्स सब्सटेंसिस विच कैन बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो भी माइक्रो ऑर्गेज में है बैक्टीरियाज एक्टेट्रा वो क्या करते हैं इनको डिकम्पोज करते हैं और उनको सिंपल फॉर्म में नेचर में मिला देते हैं ठीक है थीके? तो ऐसे वेस्ट को हम क्या कहते हैं बायोडिग्रेडेबल तो हमारा जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है लेफ्ट ओवर फूड पील्स ऑफ वेजिटेबल्स वो सभी इसके अंदर आते हैं तो देखेंगे स्टूडेंट फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स कॉटन जूट डंग काउडंग एक्सेट्रा पेपर एक्सेट्रा ये सभी क्या है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं नेक्स्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गे और वी कैन से डिकम्पोजर्स और बैक्टीरिया ठीक है जो भी माइक्रो ऑर्गे के एक्शन से डिकम्पोज नहीं हो सकते उनको हम क्या कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल ठीक है तो देखेंगे स्टूडेंट सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी डिकम्पोज़ बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो फॉर वेस्टाम्पल प्लास्टिक एटसेट्रा ठीक है तो देखेंगे प्लास्टिक पॉलिथीन मेटल सिंथेटिक फाइबर रेडियो एक्टिव वेस्ट पेस्टिसाइड एटसेट्रा ये सभी इनके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं ठीक है तो स्टूडेंट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसका डिस्पोजल करना एक बड़ा टास्क है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तो नेचर में अपने आप डिकोज हो जाता है लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो लॉन्ग टाइम तक वहीं जहां भी हमने रोड पे उसको थ्रो किया है वहीं पे पड़ा रहता है और ये कंटामिनेट करता है वाटर को सॉइल को एयर को सभी जगह क्या करता है पॉल्यूशन करता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर हम पॉलीथीन का एग्जाम्पल लें हम मार्केट जाते हैं और बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं कि कोई भी सामान लाए हमने अलग 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 पॉलीथीन और घर जा कर के वो हमारे लिए कोई काम की नहीं होती तो हम उनको इधर उधर थ्रो कर देते हैं ये पॉलीथीन अगर सॉइल में रहती हैं तो ये सॉइल को डिस्ट्रॉय करती हैं अगर ये किसी ड्रेन में क्लाग हो जाती हैं फंस जाती हैं तो ये उसको क्लॉक कर देती हैं ठीक है अगर कोई स्ट्रे एनिमल्स इनको ईट कर लेते हैं तो ये उनकी डेथ का रीज़न भी बन सकती है और इसको अगर हम बर्न करें तो इससे जो गैसेस निकल रही हैं वो भी एयर को पॉल्यूट कर रही तो ये मतलब किसी भी तरीके से हम इसको सेफ तरीके से डिस्पोजल नहीं कर पाते हैं ठीक है इसलिए नॉन बायोड्रेबल यू जो वेस्ट हैं उनको हमें कम यूज़ करना चाहिए ठीक है अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं पिक्चर के थ्रू जैसे ये एग शेल है पील ऑफ़ फ्रूट्स है पील ऑफ वेजिटेबल्स है लेफ्ट ओवर फूड है प्लांट का कोई पार्ट है या कोई एनवलप है कोई पेपर है ये सब क्या है बायोडिग्रेडेबल है तो इनके लिए देखो अलग एक डस्टबिन बना रखा है आपने कभी हॉस्पिटल्स वगैरह में देखा होगा वहाँ अलग अलग कलर के डस्टबिन होते हैं ठीक है थीके? तो इससे हम क्या कर सकते हैं हम सेपरेट कर सकते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग से हम कलेक्ट कर सकते हैं ताकि हम उनका अलग अलग तरीके से डिस्पोजल कर सकें ठीक है तो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट हैं उनके अंदर आता है हमारा ग्लास लेदर पॉलीथीन और कुछ सिंथेटिक फाइबर के बने हुए क्लोथ ये सभी किसके अंदर आते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल इनको हमने एक अलग डस्टबिन में कलेक्ट किया है ठीक है क्या फ़ायदा होगा इसका हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में ठीक है तो क्या मेथड है कि उनसे हम सेफ प्रोसेस से वेस्ट को डिस्पोज कर सकें ताकि वो हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूट ना करें ठीक है तो देखेंगे स्टूडेंट्स इनमें क्या डिफरेंस है पहले तो कि क्यों बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को तो डिकम्पोज कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गन जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को वो डिकम्पोज नहीं कर सकते ऐसा डिफरेंस क्यों है बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज सम एंजाइम्स ये कुछ एंजाइम्स रिलीज करती हैं देर डिकम्पोज मटेरियल और उसी एंजाइम के कारण मटेरियल डिकम्पोज होता है तो ये जो एंजाइम है ये पर्टिकुलर होते हैं ये किस चीज़ पे अपना एक्शन करेंगे दैट्स वाई दे कैन डिकम्पोज ओनली सम स्पेशल मेटीरियल मीन्स ऑर्गेनिक मटेरियल, ओके देखेंगे तो स्टूडेंट माइक्रो ऑर्गेनिम रिलीज एंजाइम्स विच डिकम्पोज द मटेरियल, तो कौन डिकम्पोज करता है एनजाइम बट दीज एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन ये जो एंजाइम्स होते हैं अपने एक्शन में स्पेसिफिक होते हैं हर चीज पे अपना एक्शन नहीं करते हैं डेट्स वाई एंजाइम कैन नॉट डिकम्पोज ऑल द मेटीरियल इसीलिए एंजाइम्स हर मेटीरियल को डिकम्पोज नहीं कर सकते ठीक है स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस मैथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल हम कैसे सेफ मैथड से वेस्ट को डिस्पोज करें ताकि वो हमें रोड पर इधर उधर स्प्रेड नहीं दिखाई दे और वो हमारे क्या एनवायरमेंट को सॉयल को वाटर को एयर को पॉल्यूट भी नहीं करे फर्स्ट मैथड इज बायोगैस प्लांट बायोगैस प्लांट के अंदर जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसमें आपके किचन से निकला हुआ जो भी गार्बेज है पील्स ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स लेफ्ट ओवर फूड या आपके जो टी लीव्स हैं वो भी हम डाल सकते हैं इसके अलावा प्लांट एनिमल जो वेस्ट है डंग वगैरह वो भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं और उसका यूज़ करके हम बायोगैस प्लांट में उससे मेट करते हैं बायोगैस और वो एक फ्यूल के फॉर्म में हमारे काम में आती है और इस प्रोसेस में कुछ जो स्लरी बचती है उसको हम मैन्योर के फॉर्म में भी काम में ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छा मेथड है ये देखेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी यूज इन बायोग प्लांट टू प्रोड्यूस बायोग बायोगैस तो बन ही रही है जो फ्यूल का काम कर रही है और रिन्यूएबल सोर्स है यह एनर्जी का क्योंकि कोयल पेट्रोलियम तो कभी ना कभी उनके जो अमाउंट है वो कम होता जा रहा है कभी ना कभी वो फिनिश हो जाएगा लेकिन बायोगैस को हम बार बार जनरेट कर सकते हैं ठीक है तो कैसा सोर्स है ये एनर्जी का रिन्यूएबल सोर्स है और जो बचा हुआ जो स्लरी है उसके हम किस में काम मिलेंगे मेन्योर के फॉर्म में काम मिलेंगे और बहुत ही अच्छा मेन्योर होगा ये जो हम प्लांट्स को दे सकते हैं तो देखेंगे इस तरह का बायोगैस प्लांट होता है इसमें हम मिक्सिंग टैंक के अंदर डंग वाटर और जो भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको डाल देते हैं और यहाँ पर इसमें बायोगैस का फॉर्मेशन होता है आउटलेट चैम्बर के थ्रू यहाँ पे एक्सेट पाइप से हमारी बायोगैस बाहर निकलती है और ये जो स्लरी बचती है इसको हम किसके फॉर्म में काम में लेते हैं मैन्योर के फॉर्म में लेकिन यहाँ पर एक डिसएडवांटेज भी है कि जो बायोगैस बनती है उसमें जो मेन कंपोनेंट होता है दैट इज मीथेन और मीथेन इज कॉज ग्लोबल वार्मिंग मीथेन के कारण ग्लोबल वार्मिंग यानी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज भी हो जाता है तो ये इसका एक माइनस पॉइंट है बाकी ज्यादा प्लस पॉइंट है इसमें कि हमारा एक तो रिन्यूएबल सोर्स है हमें कोयल पेट्रोलियम यूज नहीं करना पड़ रहा पॉल्यूशन नहीं हो रहा है इससे बिल्कुल भी क्योंकि कोयल पेट्रोलियम को यूज करेंगे तो पॉल्यूशन होगा और जो स्लरी बच रही है उससे हम क्या कर रहे हैं मैन्योर बना रहे हैं ठीक है थीके? तो इस तरह से हम ऑर्गेनिक वेस्ट का डिस्पोजल कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट मेथड इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो ड्रेन वाटर है जो सीवेज वाटर है उसको सीवेज वाटर प्लांट में ले जा करके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है मींस उसकी क्लीनिंग की जाती है और फिर उसे रिवर में फ्लो किया जाता है जिससे हमारा जो वाटर है रिवर का वो पॉल्यूट ना हो और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं प्लांट्स हैं वो उनका डैमेज ना हो तो देखेंगे स्टूडेंट्स द ड्रेन वाटर कैन बी क्लीन इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बिफोर एडिंग इट टू रिवर तो हम इस तरह के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में अलग अलग एक लंबा प्रोसेस होता है सेडिमेंटेशन देन फिल्ट्रेशन अलग अलग प्रोसेस होते हैं उनमें इस वेस्ट वाटर को हम क्लीन करके देन रिवर में मिला सकते हैं जिससे हमारा जो वाटर है पॉल्यूट नहीं होगा ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेथड इज लैंडिलिंग ये मेथड हम काम में लेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए जो प्लास्टिक है पॉलिथिन है उनको हम क्या करते हैं एक बहुत ही लार्ज पिट में डाल देते हैं लो लेइंग एरिया में डालते जाते हैं और जब वो पूरा भर जाता है ना तो उसको बुलडोजर के थ्रू कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है उसको क्रश कर दिया जाता है और लेटर ऑन उसके ऊपर सोइल की लेयर बिछा करके हम उसको पार्क वगैरह में डेवलप कर देते हैं दैट इज कॉल्ड लैंड फिलिंग देखेंगे स्टूडेंट दर बरेड इन लो लेइंग एरिया जो भी लो लेइंग एरिया उसमें वेस्ट को बरिड कर दिया जाता है एंड कॉम्पैक्टेड बाय रोलिंग विद बुलडोजर्स और लास्ट में बुलडोजर्स के थ्रू उसको कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है जब उसमें वो पूरी तरह भर जाता है तो हम उसमें से उसे कवर कर देते हैं और देन वहां पे कोई पार्क वगैरह कुछ भी कुछ टाइम के बाद हम वहां पे डेवलप कर सकते हैं तो वो जो गार्बेज है हमें इधर उधर फैला हुआ दिखाई नहीं देगा ठीक है स्टूडेंट नेक्स्ट मेथड इज कंपोस्टिंग इट इज वेरी गुड मेथड जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट हम देखते हैं काउडंग टीलि या पील्स ऑफ वेजिटेबल कॉटन जूट ये जो भी चीजें हैं हम इधर उधर फेंक देते हैं और ये हमको बेकार सी फैली हुई दिखाई देती हैं और क्या होता है वहां पे ब्रीडिंग होती है मॉस्किटो की जब ये चीजें ऐसे पड़ी रहती तो हम क्या करें एक कंपोस्ट पिट बनाएं उसमें इस गार्बेज को जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अलग अलग हमें सेपरेट उनको इकट्ठा करना चाहिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को तो हम क्या करेंगे अपने घर में या फार्म हाउस पे जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको अलग इकट्ठा करेंगे ऑर्गेनिक वेस्ट को और धीरे धीरे उसको, उसको उस कंपोस्ट पिट में डालते जाएंगे और लास्ट में उसको सॉइल से कवर कर देंगे आफ्टर सम टाइम दिस ऑर्गेनिक वेस्ट चुरली कन्वर्ट इन टू मेन्योर अपने आप इससे क्या बन जाएगा मेन्योर बन जाएगा खाद बन जाएगी जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत यूजफुल है ठीक है दिस मैथड इज कॉल्ड कंपोस्टिंग एंड वी कैन यूज अर्थ फॉर्म ऑल्सो इन दिस प्रोसेस आपने पढ़ा है जूनियर क्लासेस में अगर हम उस कंपोस्ट पिट में कुछ अर्थ फॉर्म्स भी डाल दें तो वो उसको और भी अच्छे से इस प्रोसेस को करते हैं दैट इज कॉल्ड वर्मी कम्पोस्टिंग तो देखेंगे स्टूडेंट ऑर्गेनिक वेस्ट आर फिल्ड इन अम्पोस्ट पिट एंड कवर्ड विद सॉइल आफ्टर अबाउट थ्री मंथ गारे टू मेन्योर तो देखेंगे ये जो भी पील्स हैं वेजिटेबल्स के फ्रूट के एग शेल है काउडंग है उन सबको इस पिट में डाल दिया है और धीरे धीरे इसको कवर कर देंगे तो सॉइल के अंदर जो नेचुरली जो माइक्रो ऑर्गेन प्रेजेंट है वो इसको धीरे धीरे डिकम्पोज करके किस में बदल देंगे मेन्योर में बदल देंगे दिस मैथड इज कॉल्ड कंपोस्टिंग ठीक है स्टूडेंट्स तो इस मेथड से भी हम गार्बेज को सेफली डिस्पोज कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट इज रीसाइकलिंग ठीक है रिसाइक्लिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है प्लास्टिक वगैरह उसको हम रिसाइकिल करके उससे नया प्रोडक्ट बना सकते हैं दैट इज कॉल्ड रिसाइकलिंग पेपर की रिसाइकलिंग भी पॉसिबल है अगर हम पेपर को रिसाइकल करके यूज़ करेंगे तो हमें प्लांट्स की कटिंग से हम बच जाएंगे हमें प्लांट्स को कट नहीं करना पड़ेगा ठीक है तो देखेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज आर रिसाइकल टू मेड न्यू आइटम्स प्लास्टिक की बॉटल्स हैं कुछ क्रोन्स हैं टूथब्रश हैं फॉक है इन सबको हम क्या कर सकते हैं रिसाइकिल करके इनसे नया मटीरियल इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर किया जा सकता है दैट इज कॉल्ड रिसाइकलिंग ओके स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट इज रीयूज ये बहुत सिंपल कन्वेंशनल टेक्निक है कि हम कुछ चीजों को रीयूज कर सकते हैं घर में फॉर एग्जाम्पल हमने मार्केट से कुछ सामान कैरी किया और कोई प्लास्टिक की बकेट हमें उसके साथ उस सामान के साथ मिली उस बकेट को हम अपने किचन में या अपने वॉशरूम में किसी आइटम के रूप में कुछ चीज़ को स्टोर करने के काम में ले सकते हैं पेंट वगैरह जब हम घर में कराते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बकेट्स आ सकती हैं आती हैं उनको हम क्या करते हैं उनको क्लीन करके हम अपने आ, बकेट के फॉर्म में वॉशरूम्स में काम में ले सकते हैं जो न्यूज़पेपर्स हैं पुराने उनको यूज़ करके हम एनवलप बना सकते हैं क्रिएटिविटी भी इससे हमारी थोड़ी सी इंक्रीज होती है और सुंदर सुंदर हम एनवलप बना सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड री कि हमने उस चीज़ को किसी दूसरे पर्पज़ में रीयूज़ कर लिया अगर हम ऐसा करेंगे तो हम मार्केट में जाके बार बार नया प्लास्टिक नहीं खरीदेंगे और जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है वो थोड़ा कम होगा तो देखेंगे स्टूडेंट इट इज अ कन्वेंशनल मैथड कन्वेंशनल टेक्निक टू यूज एन आइटम अगेन एग्जाम्पल न्यूज पेपर फॉर मेकिंग एनवलप्स न्यूज पेपर से क्या बना सकते हैं हम एनवलप्स बना सकते हैं ठीक है तो हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं या री भी कर सकते हैं इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं रिड्यूज कुछ ऐसे आइटम्स जिनको हम रिसाइकल भी नहीं कर सकते और जिनका सेफ डिस्पोजल भी नहीं हो सकता जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं उनको यूज़ करना हमें कम कर देना चाहिए दैट इज़ कॉल्ड रिड्यूस फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन का यूज़ बिल्कुल हमें ड्रीज़ कर देना चाहिए या फिर स्टॉप कर देना चाहिए क्योंकि पॉलीथिन का जैसे मैंने बताया था ना तो हम इसे बर्न कर सकते हैं ना हम इसे किसी वाटर बॉडीज़ में डाल सकते हैं ठीक है ये ड्रेन्स को क्लॉक कर देगी एनिमल्स अगर इसे ईट करेंगे तो ये उनको भी नुकसान पहुंचाएगी ठीक है तो देखेंगे रिड्यूज वेस्ट जनरेशन फ्रॉम द स्टार्ट फॉर ब्रिंगिंग योर ओन शॉपिंग बैग पॉलीथिन यूज़ करने की जगह हम क्या करें जब भी मार्केट जाएँ अपना खुद का शॉपिंग बैग लेके जाए ठीक है यूजिंग प्रोडक्ट डेट

एनर्जी प्रोड्यूस करें दैट इज कॉल्ड रिकवरी वैन इट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड देन फाइंड अ वे टू प्रोड्यूस एनर्जी और न्यू मटेरियल बाय प्रोसेसिंग द नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट रेसिड्यू जो रिसाइक्लेबल वेस्ट नहीं है रेसिड्यू है उससे हम कुछ या तो एनर्जी प्रोड्यूस करें या न्यू मटेरियल बना लें दैट इज कॉल्ड रिकवरी तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं गार्बेज डिस्पोजल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ठीक है सो दिस कॉल्ड फोर आर कॉन्सेप्ट हमने जो ये लास्ट में फोर पॉइंट डिस्कवर की है रिकवरी रिसाइकल री यूज एंड रिड्यूज इस सबको मिलाकर के क्या कहते हैं फोर आर कॉन्सेप्ट तो देखेंगे फोर आर कॉन्सेप्ट वी शुड यूज वी शुड रिड्यूज आइटम्स कुछ आइटम्स का यूज करना हमें रिड्यूज कर देना चाहिए कम कर देना चाहिए री यूज कुछ मटेरियल को हम री कर सकते हैं ठीक है रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट कुछ ऐसी होती है जिनको हम रिसाइकल करके नए आइटम्स बना सकते हैं एंड रिकवरी ठीक है रिकवरी में हम क्या करते हैं अगर रिसाइकल नहीं हो सकता तो उसे एनर्जी या कुछ न्यू मटेरियल फॉर्म करते हैं तो इन चारों प्रोसेस को यूज करके फोर आर कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम वेस्ट जनरेशन को कम कर सकते हैं ओके okay, स्टूडेंट्स तो हमने जो दोनों प्रॉबलम्स थी उनको आज डिटेल में डिस्कस किया अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे गिव एनी टू वेज इन बायोडिग्रेडेबल वुड द एनवायरमेंट दो वेज हमें बतानी है जिनसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एनवायरमेंट को इफेक्ट करती है तो देखेंगे स्टूडेंट बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज एफेक्ट द एनवायरमेंट बाय किस तरह से इफेक्ट करता है ये फर्स्ट हमने पढ़ा था इससे हम कंपोस्टिंग करके इसका मेन्योर बना सकते हैं तो देखेंगे द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज सच एस ट्री लीव्स प्लांट पार्ट्स एंड किचन वेस्ट कैन बी यूज एज ह्यूमस और वी कैन से मेन्योर आफ्टर कंपोस्टिंग कंपोस्टिंग करके हम उससे क्या बना सकते हैं मेन्योर बना सकते हैं जिसके अंदर ह्यूमस का कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा और वो प्लांट के लिए काफ़ी यूजफुल है दूसरा मैंने बताया था कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं डिकम्पोज करके जो भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है उसे सिंपल मटेरियल में बदल देते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वापस से एनवायरमेंट में मिला देते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर में जनरली कार्बन होता है तो उस कार्बन को ये वापस से नेचर में एड करते हैं देखेंगे ह्यूमस विल एनहेंस दॉयल फर्टिलिटी ह्यूमस जो होता है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है एंड द सेकेंड पॉइंट इज द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज मेनली कंटेन कार्बन रिलीज दैट कार्बन बैक इफेर तो क्या करेगा करके व से कार्बन को नेचर में एटमोस्फेर में एड कर देगा तो इस दोनों प्रोसेस से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमारे एनवायरमेंट को इफेक्ट करती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गेव एनी टू वे इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज वुड अफेक्ट द एनवायरमेंट अब हमें मनाना है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एनवायरमेंट को किस किस तरह से इफेक्ट करती है तो देखेंगे स्टूडेंट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सब्सटेंसेस अफेक्ट द एनवायरमेंट कैसे इफेक्ट करती है सबसे पहले तो ये डिकम्पोज नहीं होती तो ये कंटामिनेट करती है वॉटर को सॉइल को एंड एयर को मीन्स उनके पॉल्यूशन का रीजन बनती है तो देखेंगे दे कंटामिनेट सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज एज दे कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज माइक्रो ऑर्गेनिम इनको डिकम्पोज नहीं कर सकते तो ये सॉयल में वाटर बॉडीज में जहाँ भी जाएंगे उनको क्या करेंगी कंटामिनेट करेंगी उनको पॉल्यूट करेंगी और जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है जो भी एनिमल्स हैं स्ट्रे एनिमल्स वो अगर इनको ईट कर लेते हैं तो ये जाकर के उनकी जो विंड पाइप है उसमें क्लॉग कर देती है उसको और उनकी डेथ का रीज़न बनती है ठीक है दिस सब्सटैंसेज वैन एक्सीडेंटली ईटन बाय स्ट्रे एनिमल्स कैन हार्म दैम एंड इवन कॉज देयर डेथ और उसके कारण उनकी डेथ भी हो सकती है तो इस तरह से नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमारे एनवायरमेंट को इफेक्ट करती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल गिव एनी टू हम अपने लेवल पे ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम वेस्ट डिस्पोजल की प्रॉब्लम को कम कर सकें ठीक है तो स्टूडेंट बहुत सिंपल है और ये काम हम अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं इसके लिए हमें क्या करना है सबसे पहले हमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग सेपरेटली कलेक्ट करना होगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम कंपोस्ट पिट में डाल करके उससे मेन्योर बना सकते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम रिसाइकल कर सकते हैं री कर सकते हैं तो इस तरह से हम गार्बेज जनरेशन को कम कर सकते हैं तो देखेंगे स्टूडेंट्स वी कैन हेल्प द रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल बाय दीज मैथड फर्स्ट बाय सेपरेटिंग बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज फ्रॉम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा बायोडिग्रेडेबल और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है सब्सटेंसेस उनको सेपरेट करना पड़ेगा ठीक है बाय रिड्यूसिंग रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग क्या क्या करेंगे हम रिड्यूसिंग रीयूजिंग और रिसाइकलिंग इन मेथड को यूज करके नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का जो वेस्ट जनरेशन है उसको कम कर सकते हैं ठीक है एंड द थर्ड पॉइंट इज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कैन बी कन्वर्ट इनटू कंपोस्ट बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये कुछ सिंपल मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम वेस्ट डिस्पोजल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है हमने इस पार्ट में जो जो डिस्कस किया उसको हम एक बार रिकॉल करेंगे फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट ओजोन लेयर डिस्प्लेशन ओजोन लेयर इज अ ब्लैंकेट अराउंड द एटमोस्फेयर विच एब्जॉर्ब यू वी रेडिएशन एंड प्रोटेक्टर्स फ्राम स्किन कैंसर कैटरैक्ट लाइक अदर डिजीज इनसे हमें प्रोटेक्ट करती है एंड सम केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोबन कॉज इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर और जो क्लोरोफ्लोरोबन है उसके कारण ओजोन लेयर धीरे धीरे डिप्लीट हो रही है और ये हमारे लिए एक बहुत कंसर्न का सब्जेक्ट है ठीक है और इसके लिए जो अलग अलग जो कंट्रीज हैं उन्होंने कमिटमेंट किया है कि वो अपनी अपनी कंट्रीज में क्योटो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग अपनी अपनी कंट्रीज में सी के प्रोडक्शन को स्टॉप कर देंगी ठीक है देन वी डिस्कस अबाउट गार्बेज डिस्पोजल गार्बेज जो होती है टू टाइप्स की होती है बायोडिग्रेडेबल विच कैन बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेज्म एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल विच कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी कैन सेफली डिस्पोज वेस्ट बाय सम मैथड लाइक बायोगैस प्लांट लैंड फिलिंग और री यूज रिड्यूज रिसाइकल रिकवरी मीन्स फोर आर कॉन्सेप्ट इनको यूज करके ये जो मैथड है कंपोस्टिंग एक्सेट्रा इन मैथड को यूज करके हम गार्बेज डिस्पोजल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ये सब हमने आज के पार्ट में डिस्कस किया आई होप आपको सभी पॉइंट अच्छे से क्लियर हुए होंगे इनको अच्छे से लर्न करेंगे ठीक है नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस सम एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर तब तक इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे थैंक यू